नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही रोचक सी बात बताने जा रहा हूँ। जो भी डर्मिफाई क्रीम इस्तेमाल कर रहे वो वीडियो देखे, जो भी डर्मिफाई क्रीम का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे वे ये वीडियो अवश्य देखे, क्योंकि इसमें छुपा है डर्मिफाई के बारे में राज। दोस्तों, मार्केट में ये दो ट्यूब अवेलेबल है डर्मिफाई, दोनों भी 15 ग्राम की ट्यूब्स है। दोनों का फंक्शन एक जैसा ही है। दोनों की MRP देखिए, यहाँ पे लिखा है 49 रुपीज़ और 50 पैसा, और यहाँ पे भी है 49 रुपीज़ और 50 पैसा। मगर दोनों में थोड़ी गड़बड़ी है, दोनों में थोड़ा सा चेंज है। ये चेंज आप भी गौर करते हो, आप भी देख सकते हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मेरे हाथ में दो ट्यूब्स है, एक है डर्मिफाई प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस लिखा है। डर्मिफाई प्लस क्रीम में है क्लोबेटासोल, जेंटामाइसिन, हाइड्रोक्लोर हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन और किटोकोनाजोल। दोनों भी दांत खाज खुजली पर आने वाली जो रेडनेस है, स्वेलिंग है या खुजली है, उसे दूर करने का गुणकारी ऐसा क्रीम है। अब मैं दूसरी क्रीम के बारे में जान बताता हूँ। दूसरी ट्यूब है डर्मिफाई, यह क्लोबेटासोल, जेंटामाइसिन, हाइड्रोक्लोर हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन, टोलनाफ्रेट और क्लोट्रोमेजोल क्रीम है। ये सही नाम है डर्मिफाई क्रीम का। और प्लस में यहाँ पर देखिए चेंज है, प्लस में है किटोकोनाजोल। देखो, दोनों में क्लोबेटासोल है, जेंटामाइसिन है, हाइड्रोक्लोर हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन है। यहाँ पर देखिए प्लस में किटोकोनाजोल है, यानी कि क्लोट्रिमाजोल से आगे का जनरेशन इसमें लिया है, और ये टोलनाफ्रेट और क्लोट्रिमाजोल। ये दोनों में से कौन सा बढ़िया है? डर्मिफाई क्रीम आप ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये फाई एक्शन फॉर्मूला है। रेडनेस, खुजली या सूजन है, या पर हम ज़्यादा खुजलाते हैं, वैसे कंडीशन में अप्लाई करने के बाद बढ़िया रिजल्ट मिलता है। मार्केट में ये दोनों से भी ज़्यादा सबसे बेहतरीन क्रीम है, जो यही ब्रांड नेम से थोड़ी मिलती जुलती ब्रांड नेम है। उसका नाम है फाइडर्म क्रीम, क्लोबेटासोल, नियोमाइसिन, टोलनाफ्लेट, हाइड्रोक्लोर हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन और किटोकोनाजोल। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, अब ये लेटेस्ट फॉर्मूला फाइडर्म क्रीम, जो कि एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगर आपको डर्मिफाई नहीं मिल रही है, डर्मिफाई से रिजल्ट मिल रहा है, तो आप वो कंटिन्यू करें। उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, बार बार फंगल इन्फेक्शन बढ़ रहा है या वापस आ रहा है जाने के बाद भी, तो आप फाइडर्म क्रीम इस्तेमाल करें। साथ में ये भी कहूँगा कि यह क्रीम्स के साथ आप एक सावधानी बरतें। इला क्षेत्र पूरा साफ होने के बाद, सुखाने के बाद आपको इसे लगाना है। गीलेपन में बिल्कुल ना लगाए, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन बहुत बढ़ता है और उसे आप रोक नहीं सकते। फंगल इन्फेक्शन ठीक करने के लिए आप मंजिस्टर टैबलेट का भी सेवन करें। सख्त कपड़े ना पहने, जींस कभी ना पहने, जब तक ठीक ना हो तब तक। बार बार, एक या दो बार नहाते जाओ। कोई भी एंटी फंगल सोप इस्तेमाल करें, नॉर्मल सोप इस्तेमाल ना करें। बैंगन से दूर रहे, बैंगन ना खाए, भोजन में ज़्यादा नमक ना खाए। हम क्या करते हैं, भोजन के समय ऊपर से नमक डाल के, सब्जी में भी नमक डाल के लेते हैं, दूसरे जो प्याज है, प्याज काटने के बाद भी उसके ऊपर नमक डाल के लेते हैं, वो ऐसा ना करे। कवर ना खाए, ये अभी अनार का सीजन है, अचार का ये मत खाए, क्योंकि अचार से बहुत बढ़ सकता है। अगर आपको वीडियो दी हुई जानकारी पसंद है, तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।